क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम है। ये अपनी रजिस्ट्री कराने गया था अपने प्लॉट की आईडी बनवानी पड़ी, और आईडी जब बनवाने गया, ठीक कराने गया, तो 5,000 में होनी चाहिए थी, वो भी गलत है। 5,000 में सरकार की जिम्मेवारी है वो ठीक करके दे, किसी की गलत बनाई है तो। इससे 50,000 रुपये ले लिया, 5,000 तो आईडी बनाने का ले लिया और 45,000 रुपये रिश्वत के ले लिए। आगे आप पूछ लो किसने रिश्वत ली है। जिसने भी रिश्वत ली है उसको शाम तक का टाइम देता हूँ तुम्हारे माध्यम से, या तो इसके पैसे वापस लौटा देगा, नहीं लौटाएगा तो उल्टा लटका दूंगा, पर्चा दर्ज करवाऊंगा, खुद थाने में जाऊंगा, एसपी से बात करूंगा, डीसी से बात करूंगा, और कहूंगा कि इस गरीब आदमी के पैसे वापस कराओ और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, उसको जो भी इसके अंदर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो मुकदमा दर्ज करो, उसको अरेस्ट करो। बताओ क्या है? जी, मैंने ग्रीन पार्क के प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी बनानी थी, प्लॉट अनअप्रूव्ड था। टेम्परेरी आईडी के लिए 45,000 पीपी चोपड़ा ने, ये सुमित चोपड़ा ने मेरे से लिए थे, एमई सुमित चोपड़ा ने। मेरे पे बीच में तीसरा आदमी गवाह है, जिसने जिसको मैंने पैसे दिए उसने आके दिए, वो भी गवाह है, उसको भी हाजिर कर दूंगा जैसे जो सब कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ। तो आपने पहले अधिकारी को बात की? हाँ जी, अधिकारी। मेरे को बड़ा अंडर वो किया गया, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे मैंने वो प्लाट बेचा था, मैंने 1.5 लाख रुपये कमीशन बनता था, मैं क्या 45,000 जाए, 1,500 बनेगा, सागे दोनों लेवाल बिकवाल की प्रॉब्लम हल होती थी, मेरी मजबूरी थी। मेरे को वो क्या कहते हैं वो अंडर क्या किया, अंडर प्रेशर, प्रेशर नहीं, नहीं, एक मेरे को वो माइंड अपसेट कर दिया। हाँ, माइंड अपसेट किया, मेरे को रुलाया गया। सीईओ साहब को भी पता है, एक्सीएम को भी पता है, उनके सामने मैं रोया था, अगर वो नेम दे दे बच्चों की तो मैं 1 लाख रुपये दो साल में इनाम दूंगा, फीस ने नहीं दी, इसको किया गया। चिंता मत कर, तेरे बड़े पैसे तो आ गए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी आ गया, तो 6,000 भाई साहब। एक बात बताओ, आप 55 हलकों में जाए, 55 हलकों में जहाँ गई हो वहाँ कांग्रेस का एमएलए भी होगा, बीजेपी का भी होगा, जेजेपी का होगा, आपने क्या फर्क महसूस किया जहाँ कांग्रेस का एमएलए है? केवल एक ही चीज के इंतजार में, कांग्रेस वाले कोई बीजेपी वालों से कम थोड़े ही है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है, आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव हुआ ताजा, कांग्रेस के 30 एमएलए गए वोट डालने में, फिर तो 31। कुलदीप तो चलो कह के गए आप मैं वोट नहीं दूंगा, उसके बाद 30 लोग थे जो वोट डालने वाले थे, 30 में से भी एक वोट कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ कम? हुड्डा बताए वो कम किसका हुआ, क्योंकि अपोजिशन लीडर वो है और उसी के जुम्मे थे सारे एमएलए के वोट कास्ट करना, उसने रिहर्सल करी थी जा करके राजस्थान में वोटों को, आज तक क्यों नहीं बता रहा ना? उसको भी तो इस बात की पीड़ा होनी चाहिए थी कि मेरा कैंडिडेट हार गया और बीजेपी वाला जीत गया, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज तक नाम नहीं बताया। नंबर दो, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी भारतीय जनता पार्टी को, गवर्नर के माध्यम से दी। मैं जब एलओपी था उस वक्त मैंने विधानसभा में ये बात खुल करके कही मुख्यमंत्री को कि जो हमने चार्जशीट दे रखी है आप उसकी इंक्वायरी करो, अगर हमने कुछ गलत दिया है उसमें, जो हम साइन करने वाले लोग हैं, आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और कार्रवाई करो, अगर हमने ठीक दस्तावेज दिए तो जिसके खिलाफ हमने ये दस्तावेज लिख करके दिए आप जो एफिडेविट दे रखी है एक तरह से, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पूछो मुख्यमंत्री से आज तक क्या कार्रवाई करी है, क्या इंक्वायरी करी है। ये आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर के प्रदेश को लूट रहे हैं, पहले हुड्डा ने लूटा अब ये लूट रहे हैं। आप सिर्फ हुड्डा को टारगेट करते हैं, इनकी जब लूट हो रही है टारगेट नहीं करता मैं, हुड्डा ये काम करता है। आप हाईकमान को नहीं करते? कौन हाईकमान? सोनिया, राहुल? नहीं तो जब यहाँ हुड्डा है कि नहीं है, क्या कोई मैं ये पूछना है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ यहाँ हुड्डा है या यहाँ सोनिया है? क्या अगर हुड्डा की जगह पे सोनिया गांधी बैठ के ये काम करती तो सोनिया को भी टारगेट करती। बात यहाँ प्रदेश की चल रही है, प्रदेश में किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा के साथ हाथ मिला करके प्रदेश के लोगों को कमजोर कर रहा है,
हमने उसकी लूट के खिलाफ चार्जशीट दे रखी है, उस पर कार्रवाई करो। अगर भाजपा नहीं मिली हुई है तो कार्रवाई करते क्या दिक्कत है? कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही, हुड्डा का छोरा जब चुनाव लड़ा तब 30 MLA थे, 31 तो बाद में हुए थे, उस 30 के सामने बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करा? इसीलिए नहीं किया था कि हुड्डा के लड़के को मेंबर बनाना था। जब 31 थे तब तो खड़ा कर लिया, और जब 30 थे खड़ा नहीं किया। इससे साफ नहीं होता कि आपस में मिलकर के प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं।